मुंबई और मुंबई सटे इलाके में हर साल की तरह इस साल भी अभियान संस्था द्वारा आयोजित सावन महोत्सव के कजरी गीतों का समापन विलेपार्ले के दीनानाथ मंगेशकर हॉल में मिर्जापुर की सुप्रसिद्ध कजरी गायिका मधु पांडे और लोक गायक सुरेश शुक्ला के गीतों पर हुई। आपको बता दें कि बीजेपी के मुंबई महामंत्री और अभियान संस्था के अध्यक्ष अमरजीत मिश्र लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश की लोकगीत परंपरा से नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में 1 अगस्त से शुरू हुए कजरी महोत्सव का समापन 15 अगस्त को विलेपार्ले के दीनानाथ मंगेशकर हॉल में हुआ। बता दें कि मुंबई के कई जगहों पर कजरी के आयोजन होने के बाद समापन कार्यक्रम दर्शकों से भरे हॉल में हुआ, जिसमें प्रमुख आकर्षण का केंद्र भोजपुरी सुपरस्टार अभिनेता रवि किशन रहे। तो वही रवि किशन ने कार्यक्रम के आयोजक अमरजीत मिश्र की जमकर तारीफ की और खुद गानों पर थिरकते नजर आए। और इस मौके पर सावन के झूले का आनंद भी अमरजीत मिश्र के साथ रवि किशन ने लिया। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध अधिवक्ता आभा सिंह, अभिनेत्री राजश्री सचदेव, पार्श्व गायिका मधुश्री, कवित्री माया गोविंद को बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने स्त्री शक्ति सम्मान से नवाजा। तो वही आयोजक अमरजीत मिश्र ने कई जगहों के आयोजक को संस्था का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर एडवोकेट आभा सिंह, अभिनेता रवि किशन और कार्यक्रम के आयोजक अमरजीत मिश्र ने क्या कुछ कहा, इस पर देखिए हमारी खास खबर। अमरजीत मिश्रा जी, अभियान के तहत ये जो कजरी का प्रोग्राम करते हैं ये कई सालों से कर रहे हैं, 11 वर्ष हो चुके हैं और मुझे लगता है 8-9 साल से तो मैं भी आ रही हूँ। और ये हमको अपने मिट्टी से जोड़ता है, मैं कहूँगी जिस तरह के उत्तर भारतीय मुंबई में है तो सावन के महीने में कजरी सुन के उनको अपने गाँव की मिट्टी याद आ जाती है। उनको बनारस की जिस तरह बात हो रही थी, जिस तरह का फोक म्यूज़िक उत्तर प्रदेश का मशहूर है, मुझे लगता है ये कल्चर के थ्रू, कजरी के थ्रू हम मराठी कल्चर, यूपी के कल्चर को एक करते हैं। और जिस तरह से लोग आए हैं उससे ये देख के लगता है कि जो आत्मीयता और प्रेम लोगों में है वो कजरी के तहत और बढ़ रहा है। अमरजीत मिश्रा जी बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्होंने जिस तरह से पूरे उत्तर भारतीयों को एक करके रखा है, मैं चाहूँगी कि उत्तर भारतीय की एकता ही उनकी आवाज़ बन के पार्लियामेंट तक जाए और अमरजीत मिश्रा जी को भी ऊँचे ओहदे पर बीजेपी लेके उनके जो टैलेंट है उसका उपयोग करें। मैडम, आपने भी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला है परिवार को लेकर, जैसे आपने कहा भी जिक्र किया, उसको लेकर के क्या आप मुहिम छेड़ने वाली हैं? बिल्कुल, मैंने कि जो सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के सामने जो मामला चल रहा है एडल्ट्री का, जिसमें ये कहा गया है कि अगर सिर्फ पति को ही, अगर पुरुष को ही पनिशमेंट मिलेगा शादी के रिश्ते में बाहर अफेयर चलाने के लिए तो पत्नी को भी वो होना चाहिए, लेकिन हमारा कहना है कि अगर पत्नी कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकती, अगर कोई उसकी शादी को तोड़ता है तो पति ही कैसे केस कर सकता है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं उसमें लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो शायद 497 के कानून को निरस्त कर देगी, क्योंकि ये आर्टिकल 14, 15 और 21 के खिलाफ जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये कानून पुरुषों को सही बराबरी का अधिकार नहीं देता और महिलाओं के प्रति ज़्यादा झुका हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि परिवार को जोड़ने के लिए, परिवार को एक बनाए रखने के लिए 497 का क्रिमिनलाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पति पत्नी को ये इजाज़त दे देते हैं कि वो शादी के रिश्ते को ख़त्म करके कहीं भी बाहर रिश्ता बना लें, तो मुझे लगता है जो बच्चे उस शादी में पैदा होते हैं उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए 497 अगर कानून है तो उसमें जो कमियां हैं वो अलग की जाएं, लेकिन 497 को जो है उसमें उस कानून के तहत सज़ा दी जाए, ताकि जो शादी का जो एक रिलीजियस सैंक्टिटी है, परिवार का जो एक अहम भूमिका है समाज में, उसको बरकरार रख सकें। अपने अमरजीत के प्रेम में, अपने भोजपुरिया समाज के प्रेम में और अभियान का जो नहीं कजरी महोत्सव इतना पॉपुलर हो गई बाटे कि अगर मैं नहीं आता तो मुझे दुख होता कि मैं ये साल में कजरी महोत्सव नहीं अटेंड किया। मुझे कैसे भी अटेंड करना था, आखिरी फ्लाइट थी, वो थोड़ी डिले हो गई बिकॉज ऑफ रेन, बारिश की वजह से हम थोड़ा लेट आए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं सबसे। लेकिन मैं सिर्फ आया हूँ और मुझे इतना अच्छा आनंद मिलेगा, इतने लेट हम कभी नहीं सोए, हम समझे थे सब लोग चले गए होंगे। बस ये कह कि साधुवाद दे भी अमरजीत जो काम करते हैं, ये काम बहुत काबिले तारीफ बा, अपने समाज खातिर निस्वार्थ मन से भगवान करे सी बहुत आगे बढ़े और समाजों देखा था कि कितना ही जोड़ के रख ले हैं सबके महाराष्ट्र में, ये बहुत बड़ बात बाटे। नहीं, ये विदाई की घड़ी नहीं है, ये एक तरह का विराम है और फिर
मुझे ऐसा लगता है जो संदेश कजरी महोत्सव के माध्यम से इन 15 दिनों में मुंबई का जनमानस ने लिया है, ये संदेश उनको पूरे साल भर जीवंत रखता है और अगले कजरी महोत्सव की प्रतीक्षा में रखता है। इसलिए वो जो संस्कार, जो लोकगीत, लोक चेतना पाता है, और हमने स्मरणिका जो आज विमोचन किया है उसका शीर्षक भी लोक चेतना है। इसी लोक संस्कृति की चेतना को प्रज्वलित रखने के लिए हमने ये आयोजन किया था। मुझे लगता है कि 15 दिनों तक सतत कई दिन तो दो जगह कार्यक्रम हुए संडे के दिन, और ऐसे में लोग इतनी बड़ी तादाद में 12 बजे रात को अगर उपस्थित रहते हैं, इसका मतलब है कि लोक संस्कृति के प्रति उनके मन में विश्वास है और ये विश्वास उनको गहरे तक है, और यही देश की संस्कृति को जिंदा रखेगा और आगे लेके आएगा, बच्चों को संस्कारित भी रखेगा। अमित जी, सर आपके जो पूरा 15 दिवसीय कार्यक्रम रहा, इसमें तमाम नामी गिरामी हस्तियां, फिल्म जगत और पॉलिटिकल तमाम लोग आए और नारी शक्ति सम्मान भी किया, इससे जो है आम का एक अलग देखने को मिल रहा है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, मैं इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि एक प्रदेश के लोग कजरी मनाते हैं, कजरी महोत्सव करते हैं, उस कजरी महोत्सव का लोगो जारी करते हैं, इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, इतना बड़ा मुख्यमंत्री, उसने समय निकालकर हमारे 17 आयोजकों से मुलाकात की और उन लोगों को शुभकामनाएं दी। ये हमारे लिए बड़ी बात थी कि महाराष्ट्र के मंत्रालय में, उनके चैम्बर में हमारे 17 आयोजक जाकर मिले, उन्होंने उनसे चर्चा की और मुंबई में कजरी महोत्सव के आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी, हमारे लोगों का विमोचन किया, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के 5-5 मंत्री, सांसद, विधायक और महाराष्ट्र के मंत्री, महाराष्ट्र मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, वो सब लोग इस समारोह में आए। स्त्री शक्ति सम्मान दिया गया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, उस अभियान में, उस मुहिम में अभियान भी शामिल हुआ, और विभिन्न वर्गों की महिलाओं को, जो लोग उत्कृष्ट कार्य की हैं, ऐसी महिलाओं को हमने स्त्री शक्ति सम्मान दिया। महिलाएं उनसे प्रेरणा लेंगी और उनसा बनने की कोशिश करेंगी। मुझे लगता है कि जब माया गोविंद गाती हैं कि सूरज मिटा दूंगी मैं, घोंघटा जला दूंगी मैं, ये साहस भारतीय स्त्रियों में पैदा करने का काम माया गोविंद करती हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्त्रियाँ इनसे प्रेरणा लेकर भारत की जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को मात देंगी और आगे आएंगी। इतनी ही आज के कजरी महोत्सव का संदेश। सर, एक आखिरी सवाल, अभियान और सावन महोत्सव के दौरान और उत्तर भारतीय स्थापना दिवस के कार्यक्रम जो आप आयोजन करते हैं, उत्तर भारतीय समाज काफ़ी संख्या में आपसे जुड़ रहा है, जुड़ा भी है, क्या मैसेज है आपको? देखिए, मैं आपको इसमें कोई शक्ति प्रदर्शन करने का कोई ऐसा ख्वाब नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात कि कंक्रीट के जंगल में लोक गीतों की गंगा को बहाकर नई पीढ़ी को संस्कारित करने का एक प्रयत्न भर है, और यही कारण है कि मुंबई में वर्ष भर अभियान लोक संस्कृति के प्रति चेतना जगाने के लिए नवयुवकों में कोशिश करती है, और मुझे लगता है उसमें कामयाब है। वही कामयाबी का एक आज दृश्य यहाँ देखने को मिला।